फ्रिजेस देखेंगे, आपके कवर देखेंगे, उसके बाद कुछ जाके कुछ बनाएंगे, ठीक है? ठीक है, देखिए आपको जो भी पसंद है आप देख लीजिए। मौसम बढ़िया है, बादल का मौसम है, तो गरम गरम चाय के साथ छोले की टिक्की क्यों नहीं बनाई जाए? ओह दैट्स फाइन, चलो चलो बनाते हैं बनाते हैं। मैंने उबले आलू भी देखे हुए हैं। हाँ है ना, तो मैं उबले आलू हाँ, भी हाँ, इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, ठीक है जी जी। और शायद मुझे एक ही आलू की जरूरत पड़े तो आप बाकी दूसरे आलू में पराठे बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। बना ले, ठीक है। तो छोले हैं, उबले आलू हैं, और पास थोड़ी अदरक मैंने देखे थे आपके फ्रिज में, थोड़े प्याज है, धनिया है, और इसमें मेरे ख्याल खूब सारे मसाले ऑलरेडी है, तो हमको ज्यादा इसमें मसाले डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम छीलते हैं, ठीक है, छील के इसको बाद में हम इसमें चने में मिलाएंगे। और हमारे पास अदरक है और हरी मिर्च है और इसमें धनिया है, तो उसमें स्वाद और बढ़ेगा इसका। चने लेंगे जी, चने जितने आपको चाहिए उतने लीजिए, ज्यादा मत लीजिए ताकि बाकी भी काम आ सकता है आपका। अच्छा जी, ठीक है। तो जैसे आप लीजिए, चार हिस्सा आपका चना हो गया अंदाजन से, ठीक है। ये ले लिया हमने चने, और फिर हम इसमें आलू भी डाल देंगे, ऐसे डाल सकते हैं आप इसको, क्योंकि हम इसको बाद में हम मैश करेंगे, ठीक है। ये हमने डाल दिया ऐसे, और आप देख रहे हैं हल्का सा प्याज है, थोड़ा सा क्रंची होता है, मजा आता है उसका, ठीक है। ठीक है, तो प्याज हमने डाल दिया है, और अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा से थोड़ा धनिया डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, हमने अदरक काटे थे, हाँ जी, ठीक है। सर इसको हम अभी मैश कर देंगे। जब मैंने शुरू में चखे थे तो मुझे काफी अच्छे चटपटे लगे थे, तो क्या आप दर्शकों को बताएं इसमें क्या क्या डाला आपने छोलों में? इसमें मैंने प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर की प्यूरी डाली, चना मसाला, गरम मसाला, नमक, मिर्ची, हल्दी, अच्छा ये सब चीजें डाल के उनको बनाया। अच्छी तरह भून लेना चाहिए मसाला, फिर उसमें चने डालने चाहिए। बहुत बढ़िया, तो मुझे इसमें लगा कि इसमें थोड़ा और तीखापन और हो सकता है, आपको क्या लगता है? हाँ, थोड़ा हरी मिर्ची डाल देंगे। डाल दें इसमें? हाँ जी हाँ। और मैं इसको ज्यादा बारीक भी नहीं काटूंगा ताकि जिसको चटपटा बस पसंद हो उसको मजा भी आए। हाँ राइट, ठीक है ठीक है। अब इसको हल्का सा क्रश कर लिया हमने, आपने देख लिया, बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया 5 मिनट से ज्यादा लगेंगे नहीं, ठीक है। अब इसको अपनी हथेली से हम हल्का सा तेल लगा के इसकी हम टिक्कियां बना लेंगे। जी हाँ, ठीक है जी। मुझे हमेशा ये पसंद है कि जब हम कुछ बनाए तो इसको हल्का सा जरूर चखना चाहिए। बढ़िया, हल्का सा नमक उसमें पड़ेगा। जी जी। अब चीनी दे रही है मुझे। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि चीनी इतनी बारीक थी कि मुझे पता लगा कि चीनी है या नमक, और मैं डालता गया, पता ही नमक में मिलावट जरूर है, लेकिन बाद में वो जो हमने बनाया बिल्कुल मीठा बन गया, तो मैं इसको नाम अलग देके वो चीज ही अलग बना दी। ठीक है, बढ़िया। और अब गैस ऑन कर ले, और अब बस 10 तक गिने, और देखिए हम टिक्कियां डालना चालू करते हैं उसमें। ये रहा, और हल्की सी इसी साइज का बनाइए ताकि खाने में भी अच्छा लगे, पोर्शन ऐसे ही बराबर हो इसका, ठीक है जी। ठीक है, ये देखिए टिक्कियां बड़ी जल्दी बन रही है, सॉफ्ट भी है ये। हाँ जी। अच्छा, अब मैं आपको बताया था कि मैंने चीज देखा था, ठीक है जी, जी। अब मैंने कई बना, थोड़े बहुत बना दूंगा प्लेन, ठीक है, और थोड़े हम चीज के साथ बना लेंगे, तो खा के मजा आएगा दोनों किस्म के, ठीक है ना। ठीक है, जैसे मैंने थोड़ी ये ले लिए, जी जी, ठीक है, हल्का सा इसको बड़ा बनाया, इसके बीच में हमने हल्का सा उसको गड्ढा सा दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, और थोड़ा इसमें चीज डालेंगे। हाँ जी, अगर प्लेन पसंद करती हो ठीक है, नहीं तो इसमें भी हमने हल्का सा अदरक और मिर्ची डाला हुआ, ठीक है ठीक है। बीच में डाल दें, और जब पकेगा, गर्मी गर्म होगा, जब अपने आप मेल्ट होगा, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया, और बस अपनी हथेली के साथ में इसका बॉल बना के ऐसे इसको दबा दिया, ठीक है ठीक है। अब जब आपका तेल अगर गर्म हो गया हो तो हम इसमें डालना चालू करते हैं, और इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। जी जी, ठीक है जी। तो अभी हम ऐसा करते हैं, अभी आप देखिए तेल गर्म हो गया फर्स्ट क्लास, और ज्यादा स्मोक भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको इसको जलाना भी नहीं है, ठीक है। अगर बाई चांस हो भी जाता है, निकाल लें उसको और साइड में ठंडा रख लें, ठीक है। अभी मेरे ख्याल बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया, अब इसको आप रख लें यहाँ पे, और टिक्कियां एक से एक प्यार से, और अपनी तरफ नहीं लेकिन दूसरी तरफ डालें ताकि छीटे ना पड़े यहाँ पे। अब देख रहे हैं फर्स्ट क्लास गर्म हो गया, आपने सही पहचाना, ठीक है, और ऐसे कर लें। और जब तक ये पक रहा है मैं फटाफट एक सैलड बना देता हूँ, तो एक सालसा की तरह होगा, ठीक है, और आप इस पे ध्यान रखें। हाँ, फटाफट बनाता हूँ, ठीक है। फ्रिज में आपके मैंने देखा था खीरा था, टमाटर थे, हाँ, और ज्यादातर सबके घरों में पड़े होते हैं, हाँ, राइट। चलो अभी ऐसा है,
ये टिक्कियां आपको दिख रही हैं, पक रही हैं, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है इसकी, बोल रही है मैं रेडी हो रही हूँ। हाँ जी। तो इसको हम हल्का से इसको पलटी मारेंगे, ठीक है ना? अच्छा। और वो भी सेम तरीके से आप देख रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया क्रिस्पी बन रहा है। दूसरी साइड पलटी करने से पहले मेरा सैलड रेडी हो जाएगा। जी हाँ। ठीक है जी हाँ। तो हम क्या करेंगे, खीरे को हल्का सा काटेंगे, और अगर आपको बड़े साइज चाहिए, छोटे साइज चाहिए, आपकी मर्जी। सिंपल से काटें, इसमें आपको कोई प्रोफेशनल कट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हल्का सा सैलड टाइप है। ठीक है, क्यूब्स हो जैसे खाने में मजा आए। ठीक है, नींबू डालेंगे इसमें हम खूब सारा, ताकि चटपट चटपटा बनाए। टमाटर भी काटेंगे हल्का सा, टमाटर ये बिल्कुल सैलड की तरह है। ठीक है, ठीक है, ज्यादा आपको खटास पसंद है तो थोड़े और टमाटर डाल सकते हैं। चम्मच लेके आप इसको मिक्स कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है, जैसे हम कचुंबर बनाते हैं वैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, नींबू काफी निचोड़ लेंगे इसमें। ठीक है, सीज आ गया इसका, इसको आप ठीक है, इसमें नमक मिर्च डालिए आप हल्का सा। हाँ जी। नमक है आपको यहाँ पे डालेंगे आप? हाँ जी। चलो इसमें हल्का सा धनिया डालते हैं। जी ठीक है, ठीक है, धनिया डालते हैं हल्का सा, नींबू और मिलाते हैं, चटपटा पर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट हो गई हमारी। हाँ जी। क्या लग रहा है आपको? हो गई है, है ना? अच्छी। उसको भी निकाल देते हैं। जी। किस प्लेट में निकालें? हाँ। इस प्लेट में निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, आपकी हो गई है, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया हमारा बहुत ही स्वादिष्ट एक दिन पुराने छोलों की टिक्की के साथ में। ठीक है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बस खाने को मन होता है। चलो चलिए खाने के लिए, है ना? जरूर, क्यों नहीं दीजिए।